अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये जो ग्लो मेरे फेस पे आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये जो है वो मैंने यूज़ किया है जी एलीट एंड एलिगेंट के प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मुझे पहले भी रिसीव हुए थे, मुझे बहुत इनके रिजल्ट्स पसंद आए थे। तो इनका जो रिव्यू है वो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जो ग्लो आप लोग मेरे फेस पे देख रहे हैं इस वक्त, कितना ज़बरदस्त और अमेजिंग सा ग्लो है। ये सिर्फ एक ही बार यूज़ करने से नहीं आया है, मैं इसको मैक्सिमम 3 डेज से यूज़ कर रही हूँ। और आज जो मैं आप लोगों को यूज़ करने का तरीका बताऊंगी, उसके बाद जब मैंने अपना मुंह धोया तो ये देखिए कितना जबरदस्त, किसी किस्म का कोई फिल्टर इसके ऊपर नहीं, ओरिजिनल कैम से ये वीडियो शूट हो रही है। ये देखिए जी कितना जबरदस्त इसका रिजल्ट है। सो देख लेते हैं कि इसको हमने लगाना किस तरीके से, उसके बेनिफिट्स क्या है। जी कैसे हैं आप सब? तो यहां पर मेरे पास है जी एलीट एंड एलिगेंट की ब्राइडल किट। और सबसे पहले इसके अंदर था ब्रेसलेट, बड़ा ही क्यूट सा, वो मैंने अपने हाथ पे बांध लिया है। उसके बाद नंबर 1 यहाँ पर है जी फेस वॉश, बड़ा क्यूट सा। नंबर 2 यहाँ पे है जी इनकी केसरी ब्यूटी क्रीम, नाइट ब्यूटी क्रीम। और यहाँ पर है जी इनका गोल्ड केसरी उपटन, यहाँ पर एक और उपटन है लेकिन ये ख़ास उपटन है, ये बड़ा ही कमाल का इसका रिज़ल्ट है। और उसके बाद है यहाँ पर इनका गोल्ड सीरम, बड़ा क्यूट सा। और यहाँ पर लास्ट में सबसे पहले हम करेंगे जी फेस वॉश। फेस वॉश आपने ऐसे करना है कि आपने मसाज करनी है अपने फेस के ऊपर, तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से मसाज करेंगे फेस वॉश से, और फिर अपने आपने मुंह को वॉश कर लेना है। तो देखें कितना प्यारा सा इसका रिजल्ट आया है। अच्छा जी, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर है जी इनका केसरी उपटन गोल्ड वालों का। यहाँ पर आपने ये जो उपटन है आपने इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं गोल्ड कलर के, बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा, इसको लगाने के बाद 2 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको अपने फेस के ऊपर लगा रहने देना है फॉर 15 मिनट्स के लिए। आप इसको अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हैं और अपने आर्म्स पे भी लगा सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद इनकी बास्केट के अंदर ही बड़ा ही क्यूट सा स्पंज था, मैंने उसी को यूज़ करते हुए अपने फेस के ऊपर से ये उपटन को रिमूव किया है। तो जहाँ जहाँ से ये उपटन रिमूव हो रहा है वहाँ वहाँ से आपको इंस्टेंट रिजल्ट जो है वो शो हो रहे होंगे कि जहाँ जहाँ से ये उपटन रिमूव हुआ बहुत ही अच्छा और क्लियर सा रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर पूरे फेस को मैंने कर लिया है वॉश। अब यहाँ पे क्योंकि उपटन लगाने के बाद थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है, तो यहाँ पर गलती से मैंने पूरा सीरम ओपन कर दिया, जबकि ये ऊपर से ओपन हो जाता है ड्रॉप्स की सूरत में, लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पर आपने सीरम जो है ना पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। मैं 3 दिन से यूज़ कर रही हूँ और मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे जी इनकी बड़ी ही प्यारी सी आइसक्रीम टाइप जो है वो नाइट क्रीम, बड़ी ही इसका टेक्सचर बड़ा कमाल का है। फ़ौरन से आपके फेस के ऊपर जैसे मक्खन टाइप जो होती है ऐसे आपके फेस के ऊपर ये ना अप्लाई होती है और बिल्कुल जज्ब हो जाती है आपकी स्किन के अंदर। फील नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है अपने फेस के ऊपर। ओवरनाइट आप इसको लगाएं, कोशिश करेंगे नाइट में लगाएं, सुबह उठ के फिर से जब आप मुंह धोएंगे तो आपको ये बड़ा ही प्यारा सा ग्लो आपके फेस के ऊपर नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है फेस वॉश मैंने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद जो है फेस वॉश के बाद मैंने अपना मुंह धोया, उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे इनका केसरी उपटन जो है वो मैंने फेस पे अप्लाई किया फॉर 15 मिनट्स के लिए। नो रबिंग, नो मसाज, नथिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट आपने 15 मिनट्स लगा के उसको सो जाना है। 15 मिनट्स के बाद आपने अपने मुंह को अच्छे से, इन्होंने एक बड़ा क्यूट सा दिखाया यार, वो स्पंज भी इन्होंने साथ में दिया था, बड़ा ही प्यारा था। और इसके साथ मैंने अपना मुंह धोया, ये देखिए अभी भी ये वेट है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर थी जब आप ये उपटन वगैरह लगाएंगे तो आपका फेस जो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो इन्होंने बड़ा ही प्यारा यहाँ पर इनका गोल्ड सीरम, आई एम जस्ट गेट फैन ऑफ दिस सीरम, मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ। ये बहुत ही कमाल का सीरम है, ये आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे जब तक आपकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो। उसके बाद एट लास्ट हमने लगानी है ये इनकी एलीट एंड एलिगेंट की जो क्रीम है, जो बहुत ही कमाल का इसका जो टेक्सचर है ना वो आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है। और एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हैं, आप इस क्रीम को नाइट में भी लगा सकते हैं, डे में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा है पर्सनली कि आप इसको नाइट में लगाएं, क्योंकि नाइट में जब आप लोग सो रहे होते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर कोई डर्ट नहीं पड़ रही होती है, टाइमिंग भी ज़रा इंक्रीज हो जाती है, धूप में ज़रा कम निकलना होता है, तो साइड इफेक्ट नहीं होता कोई भी। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप परचेज कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट में नीचे मेंशन कर दूंगी, व्हाट्सएप ट्राई हो जाएगा। तो इन्होंने बड़ा ही प्यारा यहाँ पे इनका गोल्ड सीरम, आई एम जस्ट गेट फैन ऑफ दिस सीरम, मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ। ये बहुत ही कमाल का सीरम है, ये आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे जब तक आपकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो। उसके बाद एट लास्ट हमने लगानी है ये इनकी एलीट एंड एलिगेंट की जो क्रीम है, जो बहुत ही कमाल का इसका जो टेक्स्चर है ना
वो आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है। और एक बात, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हैं, आप इस क्रीम को नाइट में भी लगा सकते हैं, डे में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा है पर्सनली कि आप इसको नाइट में लगाएं, क्योंकि नाइट में जब आप लोग सो रहे होते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर कोई डर्ट नहीं पड़ रही होती है, टाइमिंग भी जरा इंक्रीज हो जाती है, धूप में जरा कम निकलना होता है, तो साइड इफेक्ट नहीं होता कोई भी। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप परचेज कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट में नीचे मेंशन कर दूंगी, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज, तो आप लोग ये जाकर इनसे ज़रूर परचेज करें। ये बहुत ही अमेजिंग इनकी ब्राइडल किट है और ये भी बड़ा क्यूट सा दिया है उन्होंने साथ में। सो ये आप लोग इनसे परचेज कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनकी वेबसाइट पर और भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।